चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। पुलिस प्रशासन शर्म करो, कारी वेश के हत्यारों को फांसी दो, कारी वेश के हत्यारों को फांसी दो, कारी वेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, मुझे तो इंसाफ चाहिए बड़े बच्चे को, मुझे कुछ नहीं चाहता। और वैसे भी काम क्या करते हैं आप? भाई मजदूरी करते हैं। आपको कब पता चला इस घटना का, वेश के साथ जो हुआ? 11 बजे से, 11:30 बजे से पता लगा था। दिल्ली कब से काम कर रहा था? 2-2.5 साल के करीब कर रहा था। हेलो, स्टेशन के बाहर मोबाइल की लीड खरीदनी चाहिए, तो लीड जो थी इन्होंने पन्नी में से निकाल के देख ली, तो उसने दुकानदार ने उठ के इसका गिरेवान पकड़ा, इसके साथ में मारपीट शुरू कर दी। अब इसके जो दो साथी और थे वो भी डर गए, उनके साथ में मारपीट की है, लेकिन वो भाग गए वहाँ से, वो भाग गए। ये इसके साथ में मारपीट की है 10-15 लोगों ने, तो दिल्ली यहाँ से 40-50 आदमी गाँव से गए हैं। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं नाहिद हसन कैराने से, वो भी गए हैं वहाँ पे। आने के वो कहने लगे कि भाई इस पे धारा क्या लगाई है, उन्हें बताया कि धारा 304 लगा दी। हम तो कह रहे हैं कि 302 लगाओ, वो 302 लगाने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपनी तरफ से जो भी उन्होंने करा पकड़ा है वो अपनी तरफ से किया उन्होंने। इसके पीछे अगर मैं साफ वाज तौर पे बात कहना चाहूँ तो मुसलमान था, इस वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजकल जो है हिंदुस्तान भर में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। मैं अपनी खुद की बता दूं, मुझे खुद जो है ना डर महसूस होता है घर से बाहर निकलते हुए, कहीं सफ़र करते हुए। उवैस जैसा मेरे हिसाब से अब तो गांव में कोई है नहीं जितना सीधा और सादा वो था बिल्कुल। और बल्कि उसका यह था कि जब गली में से गुजरता था तो उसकी नज़र भी ऊपर नहीं उठती थी, इतना सीधा सादा आदमी था। उनके घर में उनके वालिद साहब हैं, उनकी वालिदा है, एक बहन है उनकी और 5 भाई हैं। उनके परिवार की अगर हालत में बताऊँ बहुत ही खस्ता, यानी बहुत ही कमज़ोर है, मज़दूर आदमी है, यानी बहुत ही गरीब गुरबत का माहौल है उनके घर में। इस तरह से लोगों के आने से इंशाल्लाह एक माहौल बनता है, एक दबाव बनता है हुकूमत पर भी, प्रशासन पर भी। जो हुआ है वो बहुत जुल्म की बात है, लेकिन इंशाल्लाह इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। माहौल पूरे मुल्क में ख़राब है, आप सब देख रहे हैं, आप सब लगातार झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। मैं लगातार जितनी मॉब लिंचिंग के शिकार लोग रहे हैं, मैं मुसलसल सबके घरों तक जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, तो केस में इंशाल्लाह थोड़ी सी लड़ाई जो हम लड़ सकेंगे उस लड़ाई को लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन शर्म करो,
बंद करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, नफरत और हिंसा तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कोई स्टेट, कोई राज्य ऐसा नहीं बचा हुआ जहां इस तरह की घटनाएं नहीं। तो इंसान इंसान से जो नफरत करनी शुरू कर दी है और एक खास तबका जो टारगेट पे है, तो उसके बचाव के लिए लोगों को, सभी वर्ग को सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 19 हमको पूरी आजादी देता है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की, अपनी बात को कहने की। अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो अपनी बातों को हम कहेंगे, जो करना है कर ले, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे और एकता के नाम पर लड़ाई लड़ते रहेंगे।